हेलो जी, क्या हाल है सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हम तीन लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आजकल जो डेली वीडियो में बोल रहा हूँ, बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। 70% ऑफ व्यूज जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, ठीक है। चलो जो पहला क्वेश्चन है जी, AK_Panchal जी का, जो कैन आई गो टू अब्रॉड आफ्टर ITI इफ यस प्लीज सजेस्ट मी कंट्रीज। पहली बात, हाँ सर बिल्कुल जा सकते हो। कंट्री सर वो आप पर डिपेंड करता है। डिपेंड मतलब कि देखो, अगर आप, वैसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बट एंड ऑफ द डे कंट्री हमेशा पर्सनल चॉइस होती है, जो भी यहाँ पर आपको जाना हो। बट अगर आपके पास फंडिंग होती है जेन्युइन पुरानी, लाइक 6 मंथ्स या कुछ भी पुरानी, और आपकी फाइल ठीक है, आपकी गैप ज़्यादा कोई नहीं है, ITI की परसेंटेज भी ठीक है, तो आप न्यूजीलैंड प्रेफर कर सकते हैं। अगर 1-2 महीने पुरानी है तो आप ऑस्ट्रेलिया या UK जा सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी फंडिंग नहीं है तो आप कनाडा ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप अमेरिका भी ट्राई कर सकते हैं। बट एक वैसे ही ओवरऑल सा व्यू दे रहा हूँ मैं, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, जहाँ आप सभी जगह सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है जी रंजीत बी जी का, जो है कि मैरिज शो करनी है कि मैं करी आफ्टर वीज़ा। जी ब्याह करा के जो मैरिज तुम कर चुके हो, तो सॉरी हिंदी में, अगर आप शादी कर चुके हो सर, तो बस अपने प्रूफ्स वगैरह रेडी रखिए, एंड आपके पास जितनी हो सके प्रूफ। देखो यार, कोई ये नहीं होता कि आपको प्रूफ हर बार दिखाने होते हैं, बट कंडीशन ऐसे ना कि हमने पंजाब में स्पेशली, वैसे आई थिंक नॉर्थ इंडिया में काफ़ी लोगों ने किया होगा पंजाब को क्या कहना, बट हमने एक शादी जैसे एक यू नो एक रिलीजियस सेरेमनी को, जो कि भगवान के सामने होती है, उसको धज्जियाँ उड़ाई हैं काइंड ऑफ राइट, उसकी डिसरिस्पेक्ट हद से ज़्यादा कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग शादी करके फेक मैरिजेस करके चले जाते हैं, एंड उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं होती, और उन चीज़ों के कारण जो होना नहीं चाहिए था, बट बेसिक शादियों पर भी शक किया जाता है। सो कई बार ऐसे होता है कि एक सर्टिफिकेट भी लगता है उसके बेसिस पर ही बच्चे कैंडिडेट का, जो भी स्पाउस वीज़ा होता है वो अप्रूव हो जाता है, बट कई बार शक होने पर वो आपकी इंटरव्यू भी ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ भी मांग सकते हैं। सिंपल जो मुझे लगता है ये है कि अगर आपकी मैरिज जेन्युइन हो और यू नो द अदर पर्सन प्रॉपरली, तो आपकी इंटरव्यू भी होगी, तो आप क्लियर कर दोगे और सारा कुछ सीमलेसली बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट कई बार ऐसे होता है कि वो आजकल तो ये भी ट्रेंड चल पड़ा है कि आप मैरिजेज भी करते हो, वो भी अरेंज, एंड समटाइम यू डोंट नो द ऑपोजिट पर्सन वेल, और कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं पर्सनल उसका आपके पास रिप्लाई नहीं होता, उस वजह से रिजेक्ट भी होते हैं। और लास्ट ईयर तो मैंने बैन लगा भी देखा था 5 साल का। तो जितनी जेन्युइन होगी उतना आपको एफर्टलेसली हो जाएगा सारा कुछ, सिंपल प्रूफ और बेसिक आप डॉक्यूमेंटेशन लगाओगे। जितनी फेक होगी, जितनी आप फोर्ज कर रहे हो, उतने आपको प्रूफ बनाने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। तो देखिए आपकी प्रोफाइल कैसे, मैं तो आपको पर्सनली जानता नहीं हूँ, बट अगर आपकी जेन्युइन तो इजीली हो जाएगा। आप बेसिक अपने प्रूफ वगैरह लगाएंगे, सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट, अगर नहीं तो उतना आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बस और क्या। लास्ट क्वेश्चन है जी _Rai साहिब जी का, कि वो पूछने का, इफ़ वी गॉट AIP इज इट शो दैट वी आर मोस्ट लाइकली टू गेट वीज़ा। हाँ सर बिल्कुल, अगर आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी लगती है कि वो फाइनल वीज़ा की तरह ही होगा, क्योंकि अगर रिजेक्ट होना होता तो पहली बार में हो जाता, जो कि काफ़ी लोगों के हुए भी हैं। एंड सो फार अगर आपको AP मिला है, तो जाहिर सी बात है रिजेक्शन वाला बेसिक लॉस तो ख़त्म ही हो चुके हैं, तो ब्रेक है चेक करना हो बेसिक सिक्योरिटी रीज़न, या फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ फेक शेक लगे हों वो सब चीज़ें, और अगर आपके नहीं लगे हैं, क्योंकि आपको पता हो आपकी प्रोफाइल को, आपको खुद पता है हर पर्सन को, तो टेंशन फ्री रहें, आपका जो वीज़ा है वो फाइनल वीज़ा की तरह ही है, ठीक है जी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसे कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं डेली लाइव होता हूँ, ये क्वेश्चन भी वहीं से आए थे। एंड हाँ, अगर यार वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, सॉरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।